Hello everyone, now we are going to start with the new part, that is basic of surface tension sums, normal sums जो surface tension के definition पे based है. अभी आप जब chapter start करोगे तो सबसे पहले जो answer आपको करना है वो है range of molecular attraction, sphere of influence, फिर surface tension क्या है, उसका unit dimension, ठीक है, और molecular theory. ये part आपको importantly करना है. I will explain you कि वो टेक्सटबुक में कैसे आएगा, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है. फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर ऑफ लिक्विड. आई एम एक्सप्लेनिंग सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियोरी. ये आंसर करने हैं अच्छे से. ये आंसर होने के बाद देन यू कैन स्टार्ट विद द यू नो थोड़ा बहुत इसके न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले तो व्हाट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज नथिंग बट अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर, ओके, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक्ट होता है. फॉर्मूला अपने बनाया था टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, ठीक है. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. इन द सिंपल वर्ड इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, लेंथ व्हिच इज ड्रॉन ऑन, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है. इसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट आएगा डाइम पर सेंटीमीटर, ठीक है. और इसके डायमेंशन आएगा फोर्स का डायमेंशन अपॉन लेंथ का. फोर्स का डायमेंशन इज एम वन एल वन टी माइनस टू एंड सेंटीमीटर मतलब लेंथ का एल रेस टू वन. सो इसका डायमेंशन आएगा एम वन एल जीरो एंड टी माइनस टू, ठीक है. तो ये उसका डायमेंशन हो गया. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, डेफिनेशन वाला है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. बहुत सिंपल सम से, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है. कभी कभी अपन 2L लेते हैं, कभी कभी अपन सम सॉल्व करते हैं L लेते हैं. तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक 2L एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक L, बस इतना समझ गए तो इसके सम्स मतलब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स, ओके. बेसिक के ऊपर फॉर्मूला भी पता चला, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. फॉर्मूला बेस्ड है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है. देखो, स्टील नीडल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, नीडल की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, एंड कैन स्टे ऑन द वॉटर, ओके. यू टू फाइंड द वेट ऑफ द नीडल. व्हाट यू टू फाइंड वेट ऑफ द नीडल, मतलब पानी के सरफेस पे ऐसे नीडल रखी हुई है, मुझे उसकी वेट फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है. और सरफेस टेंशन उसने दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर फॉर, दिस इज गिवन फॉर वॉटर, ठीक है. अभी मुझे बताओ वेट जो है उसका मुझे फाइंड करना है. व्हाट इज वेट ऑफ नीडल, व्हाट इज वेट ऑफ नीडल, नीडल का वेट मतलब क्या है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन. इट इज अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो अपना फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. तो व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज एफ, तो एफ के बदले अपन क्या लिख सकते हैं, टी इनटू एल. पर अभी जो फोर्स लगेगा वो दोनों साइड से लगने वाला है, तो इसका फॉर्मूला आएगा वेट का, इट इज टी इंटू एल, नहीं आएगा 2L आएगा, क्योंकि इसके दो दो इंटरफेस है, तो इधर से भी फोर्स लगने वाला है, इधर से भी फोर्स लगने वाला है, तो 2L आएगा. तो देखो फॉर्मूला जो टी इंटू एल करेगा उसको रॉन्ग आंसर आ जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू, इट इज टी इंटू 2L, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या आएगा, टी, व्हाट इज टी, टी इज 0.07 इंटू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो उसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10 टू माइनस 2, यू कैन सॉल्व दिस, ये 10 हो गया, तो 0.007 दैट इज योर आंसर इन न्यूटन, ठीक है. लुक एट दिस, अभी एक स्क्वायर प्लेट है, उसका 9 सेंटीमीटर ऑन द एज एंड 0.5 सेंटीमीटर थिक, इज सस्पेंडेड इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर सो दैट इट्स वन एज जस्ट टचेस द वाटर. तो मतलब पानी के सरफेस पे उसका ऐसा एक एज रखा हुआ है,
अब थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, थ्री डायमेंशनल आप थोड़ा सोच सकते हो, इसको ऐसा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो पानी के सरफेस को टच हो रहा है। अब मुझे बताओ ये मतलब ये जो पानी के सरफेस पे मैंने ऐसे एज इसका टच हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो फोर्स से बाहर से लगने वाला है, अंदर से कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, अपने को क्या फाइंड करना है, कैलकुलेटर डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला टी इंटू एल ही आएगा, अभी टू एल नहीं आएगा क्योंकि फोर्स सिर्फ लेंथ पे लग रहा है बाहर से। तो ये तो पूरा सॉलिड है, अंदर कोई इंटरफेस नहीं बन रहा है पानी का, तो अंदर से कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, सिर्फ टी इंटू एल आएगा। व्हाट इज एल, दिस एंटायर लेंथ, और वो तो उसका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 into 9.5 + 2 into 0.5। तो 9.5 का डबल दैट इज 19 और ये 1, तो आंसर कितना आएगा 20, दैट इज इन सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को फिर अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में, नहीं तो जरूरत नहीं क्योंकि ये भी सीजीएस में दिया हुआ है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, 72 into 20, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 1440 N. अभी समझा, F का फॉर्मूला T into L लिखा और यहां पे F का फॉर्मूला लिखा है T into 12, तो 2 क्यों लिया। और तो यही समझना कि कभी 2 लेना है और कभी 2 नहीं लेना है। तो थोड़ा आराम से पढ़ के आप समझ सकते हो ये चीज को, ठीक है। सो चलो इसके ऊपर के अपन सम्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पानी में रिंग रखा हुआ है, सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला वाला ड्यू टू सरफेस टेंशन, फॉर्मूला क्या आएगा, टी इंटू टू एल, क्योंकि मैंने रिंग रखा है तो अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है। तो फोर्स कहां से लगेगा, अंदर से भी लगेगा और बाहर से भी लगेगा, तो टू एल आएगा। और ये एल मतलब क्या है, इट इज 2 pi r, ठीक है। सोचो पानी के सरफेस में मैंने एक सर्कुलर प्लेट रख दिया, एक सर्कुलर प्लेट रख दिया। अगर एक सर्कुलर प्लेट रख दिया तो फोर्स कहां से लग रहा है, अंदर से, क्योंकि ये तो पूरी सॉलिड की प्लेट है, तो अंदर तो कोई पानी नहीं है, तो बाहर से इसका इंटरफेस एक ही बन रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल, और लेंथ क्या, सर्कुलर प्लेट है तो लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, 2 pi r। तो यहां पे देखो, अगर मैं रिंग रख रहा हूं तो 2l आता है, प्लेट रख रहा हूं तो l आता है। तो इतना सिंपल आपको समझना है कि कभी 2 लेना है कभी 2 नहीं लेना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो मैंने एक सर्कुलर पानी के सरफेस, पानी का सरफेस, और उस पर मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा है, सोचो, ओके, वायर का, एक रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम रखा है इसे, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो अब मुझे बताओ, अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, तो इसके दो दो इंटरफेस बनेंगे, फोर्स दोनों जगह से लगेगा, बराबर है। तो टी का फॉर्मूला क्या, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टी इंटू 2l आ जाएगा। और लेंथ मतलब क्या, पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 2b, वाले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पर वही अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख दी मैंने, अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख दी तो फोर्स सिर्फ कहां से लगने वाला है, बाहर से लगने वाला है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, सिर्फ एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल। तो ये फॉर्मूला पे ऐसे समझते हैं, कभी 2 लेना है और कभी 2 नहीं लेना, तो थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं थोड़ा इसको आपको ट्रिक बता कि क्या इसमें करना है, कि फोर्स कहां से लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अंदर बाहर दोनों से लगेगा तो 2 लेना है, नहीं तो सिर्फ एल लेना है, टी इंटू एल। लुक एट दिस, फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट है, ये क्या है, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट मतलब क्या है, पूरी प्लेट ऐसे है ना, दिस इज सर्कुलर प्लेट। तो फोर्स कहां से लगने वाला है, सिर्फ बाहर से, आई एम वेरी सॉरी, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। तो फोर्स कहां से लगने वाला है, बाहर से लगने वाला है। तो फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड करना है, यू हैव फाइंड फोर्स, फॉर्मूला क्या आएगा, टी इंटू एल आएगा, और एल के बदले आप क्या लिखोगे, 2 pi r। उसके लिए आपको फोर्स फाइंड करने के लिए टी चाहिए, टी तो उसने दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर, और एल भी आपका दिया हुआ है, ओके, दैट इज 2 pi r, और r कितना है, 0.01, तो 2 × 3.14 × 0.01, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप ऑफ वायर, दिस इज अ लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस दिया है, ओके, लोड इन अ क्रूड ऑयल एंड फ्लेम इज फॉर्म, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गिवन,
आई वॉन्ट वन टी, अभी टी फाइंड करना है। तो अभी मुझे बताओ ऑयलिंग के सरफेस पे क्या रखा है, एक वायर का सर्कुलर लूप रखा हुआ है, लूप रखा है तो अंदर भी ऑयल है बाहर भी ऑयल है, तो उसको फोर्स अंदर से भी लगेगा और बाहर से भी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू, सॉरी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या आएगा, 12 आएगा। अभी क्यों आएगा, क्योंकि अंदर भी है और लूप है ना वायर का, तो अंदर भी पानी और बाहर भी पानी और 12 आएगा। तो F अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई R, उसने दिया हुआ है, F अपने को पता है, सब स्टूडेंट के अंदर आंसर टेंशन मिल जाएगा। तो ये ऐसे इजी सम्स है, आप सिर्फ देखो अच्छे से कि सरफेस पे क्या रखा हुआ है, ठीक है, और फोर्स कैसे लग रहा है, उसके हिसाब से 2 आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है। दे आर वेरी सिंपल सम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ।